और खबर लहलुंगा से है, जहां महिला संघ की महिलाएं बीते दिन गंभीर आरोपों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिलाओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई ना होने से महिलाओं ने अपनी शिकायत कई अधिकारियों से की। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ शासन की बिहान योजना संचालित की जा रही है, जहां इस योजना के तहत क्षेत्र के गरीब महिलाओं को समूह में जोड़ा गया। वहीं महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में अनजान फोन नंबर से अश्लील वीडियो, ऑडियो और फोटो भेजे जा रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने महिलाओं को कार्रवाई की आश्वासन दिया है और साथ ही महिलाओं की सराहना भी की है। 2019 से महिला समूह में जुड़ा था, तो उसमें दीदियों का एक समूह बनाए थे हम लोग आजीविका के लिए। और अभी दिसंबर से एक कोई आदमी है जो दीदियों का नंबर को छांट के एक अलग ग्रुप बना रहा है, जिनसे उनको मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसका शिकायत हम लोग थाने में भी किए थे, लहलुंगा थाना में, तो उधर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अभी तक 4 महीना हो गया, कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिला है। हमारे सब महिला कल्याण में हमारे संकुल में कम से कम 28 गांव हैं। 28 गांव में हम लोग का एक ग्रुप बना है महिला कल्याण करके, जिसमें हम लोग 200 से 250 महिला ऐड हुए हैं, जिसमें हम लोग अपने समूह के बारे में या संगठन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उपसंघ के बारे में। तो उस ग्रुप का कोई मिसयूज कर रहा है कि जिसमें 250 महिला ऐड है, उसको कोई दूसरे जो आदमी है वो हम लोग को ऐड कर चुका है और पर्सनल नंबर पर वो मैसेज और वीडियोस और फोटो भेजता है। हमारे साथ दिसंबर महीने से मतलब कोई इंसान है जो हम लोगों को अलग अलग नंबर से जोड़ के वो एक ग्रुप बना के हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। हम लोग उसे बहुत परेशान है दिसंबर महीने से अभी तक। क्या परेशान कर रहा है? अश्लील वीडियो भेजता है और तस्वीरें भी भेजता है और वीडियो कॉलिंग भी करता है। उसको देख के और सुन के हमारे घर परिवार में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत हम लोग थाना लहलुंगा में भी किए हैं और अभी हम लोग